इतना छोटा मोटा रियासत नहीं था हमारा। हमारी दादी बताती थी कि जब हमारे दादाजी पैदा हुए थे तो हमारे परदादाजी ने एक नाच पार्टी को बुलवाया था। पूरा रात नाच गाना चलता रहा और हमारे परदादाजी उस नाच पार्टी वालों पे इतना खुश हुए कि 200 कोस रियासत उन नाच पार्टी वालों को तोहफे में दे दिया। फिर भी हम लोगों के पास 500 कोस रियासत बचा रहा, समझे? कितना बड़ा रियासत था हमरा। एक तो गजबे किस्सा है। हमारी दादी बताती थी कि जो हमारे दादाजी थे वो हाथी पे बैठकर शिकार करने जाया करते थे, बिल्कुल ऐसे। और एक बार जब वो शिकार करने गए तो उन्होंने एक के तीर से 14 हाथी का शिकार कर दिया था। कितना? 14। ए रुक रुक, ये संदूक देख रहे हैं? संदूक दिखाओ। इस संदूक में हमारे जो परदादा थे उनके दादाजी ने, माधवगढ़ का नाम सुने हैं ना? माधवगढ़ के राजा चंद्रदेव को 6 महीना तक बंदी बना के रखा था इसी संदूक में। देखिए, संभाल के रख, मदद कीजिए। जी महाराज। तो क्या कह रहे थे? 14 हाथी। 14 सब हाथी इससे मोटा और तगड़ा हुआ करता था। तो दादाजी जब 14 हाथी का शिकार एक तीर से किए तो सारे 1760 रियासत में दादाजी के इस कारनामे की चर्चा होने लगी। और दादी बताती थी कि 1760 में दादाजी के पास एक तलवार हुआ करती थी। आ गई तलवार। यही वो तलवार है जिससे हमारे दादाजी ने भानगढ़ के राजा भान सिंह की गर्दन एक ही झटके में बच गया। क्षमा, धड़ से अलग कर दिया था। सही में महाराज, इसी तलवार से? कोई शक? अरे नहीं नहीं महाराज, कोई शक नहीं। इसको हमारे ही पास रहने दीजिए। जी महाराज, ठीक है। हमारी दादी बताती थी कि जो हमारे परदादा थे वो स्वर्ण जड़ी सिंहासन पर बैठते थे, 3-3 सिंहासन पर। अब आप लोग पूछिएगा कैसे बैठते थे 3-3 सिंहासन पर? कैसे महाराज? एक सिंहासन पर बैठते थे ऐसे और 2 सिंहासन पर रखते थे पैर ऐसे। कैसे? ऐसे। अरे यही तो है वो स्वर्ण जड़ी सिंहासन। कहाँ ले जा रहे हो भाई? महाराज जी अंदर। अंदर नहीं, इसे यहाँ रखिए, हम इस पर बैठेंगे। महाराज, सिंहासन का एक गोड़ा टूट गया है। अरे तो क्या हुआ? उसके बदले 4 ईंटा लगा देना, घोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। आज से यही सिंहासन हमारा आसन होगा और हमारा दरबार यही लगेगा। काहे कि जहां राजा वहां प्रजा, है ना? चलिए आइए, पधारिए। ईंटा लगा दिए थे ना? जी। बैठिए, बैठ जाइए। तो क्या कह रहा था कि हमारी दादी कहती थी महाराज जी
आधी घंटा हो गया अभी तक चाय नहीं आई। आधा घंटा हो गया हा? अरे देखिए बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। युवराज जी महाराज जरा देखिए अभी तक दरबार में चाय क्यों नहीं आया। जी महाराज हाँ महारानी जी चाय जी ला रहे हैं। आग लगे इनकी रजवाड़ी को ऊपर पड़े इनका रजवाड़ा। सुबह सुबह भिखारियों की टोली बुला लेते हैं और शुरू हो जाती है इनकी फरमाइश। रजवाड़ा 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 की माला जपते जपते सबको भूसा की थार पे बैठा दिए। जीवन भर बोलती रह गई कि रजवाड़े का कबाड़ा हो चुका है कुछ करो धरो कमाओ लेकिन नहीं नहीं करना है कुछ। क्या बोलते थे इस रजवाड़े में 2000 नौकर रहते थे भला इस रजवाड़े के राजकुमार को बाहर काम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाय भी बनाओ तो 500 लोगों की चाय बनाओ। सब बर्बाद कर दिए। रजवाड़े का राजकुमार बूढ़ा हो रहा है। अरे राजकुमारी तो क्या नौकरानी भी नहीं पूछने वाली। मन तो करता है ना कि जो बचे खुचे गहने हैं उसे भी बेच के इस घर के सत्यानाशी को दूर भगाए लेकिन नहीं कर सकती। क्यों इनकी शान के खिलाफ जो होगा गहने बेच के खाएंगे लेकिन बाहर काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। महारानी जी सवेरे सवेरे काहे चिल्ला रही हैं? आप तो चुप रहिए। बोलू जी ये पकड़ो ये 5 रुपए की चाय की पत्ती ठीक है। और ये 5 रुपए की शक्कर लेके आओ जल्दी से। जी महारानी जी ए, बेवकूफ हो काजी दिवाली बीत गया और तुम फटाका आज फोड़ रहे हो। युवराज जी जी महाराज ये आजकल के लोग क्या दिवाली मनाएंगे। दिवाली तो हमारे जमाने में मनाया करते थे। हमारी दादी बताती थी कि हमारे परदादा के जमाने में 125,000 दिया जलता था वो भी शुद्ध घी के महीनों तक जला करते थे। और फटाका हमारे परदादा के वक्त तोपे चलती थी तोपे फाड़ फाड़ फाड़। अरे बाप बाप तोपे चलती थी आसपास की सारी रियासतें हमारे रजवाड़े की सजावट देखने आया करती थी। और आजकल की दिवाली देखो अरे हमारे दादाजी दिवाली में फटाकों की भेंट के बदले तोपे भेंट देते थे तोपे। ये देखिए चाय तैयार है शकुनी। जी महाराज। देखिए महारानी जी ने चाय रख दी है चाय उठाइए और प्रजा को पिलाइए चाय। सबको दीजिए सबको दीजिए। लाओ चाचा। मामूली चाय नहीं है दार्जिलिंग से चाय की पत्ती मंगवाई है आप लोगों को चाय पिलवाने के लिए। लोग कुछ भी कहे महाराज बाकी आपके राज दरबार का वही शान है वही संस्कार है। इस दरबार की महारानियां आज भी पर्दे में रहती हैं। अरे ये तो कुछ नहीं हमारी दादी बताती थी कि हमारे परदादा के जमाने में जो महारानियां होती थी वो ऐसे डोली में आती थी और अर्थी पे ही जाती थी। माफ करिएगा महाराज कैद खाना में रहती थी क्या। अरे मूर्खानंद हमारा रजवाड़ा इतना बड़ा था कि बड़ा बड़ा शहर उसमें समा जाता। बाग बगीचा मेला झूला तालाब मंदिर बाजार हाथी घोड़ा सब का सब उस रजवाड़े के अंदर था। समझ लो बहुत बड़ा रजवाड़ा था। रजवाड़ा अभी छोटा हो गया है लेकिन परंपरा आज
आज भी जिंदा है। अरे शकुनिया, तुम कौन सुबह से खोज रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के इनका निकम्मे से बात सुन रहा है तू? चल यहाँ से। ए छोटा, हमारे राज दरबार में खड़े होके ऐसा गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कैसा राजवाड़ा और कहे का राजवाड़ा, ये पूरा गांव जवार जानता है कि पांच बग चिन्नी और पांच बग चाय पत्ती आता है तो भोर भोर जाकर चाय बनता है और भी दिन भर में एक बार। चले हैं बड़का राजवाड़ा बनने के लिए। खामोश। युवराज। जी महाराज। इसको हमारी नजरों से दूर कर दो, नहीं तो हम इसकी जुबान के तीन टुकड़े कर देंगे इसी तलवार से। अरे जाओ ना, इस मुरझाए हुए तलवार से तो प्याज कटेगा नहीं। चले नाटक का जवान काटने। काम तो तूने फांसी पे लटकने वाला किया है, लेकिन गनीमत यह है कि तू हमारे राज दरबार में खड़ा है, इसीलिए तुझे जीवन की भीख देता हूँ। लेकिन आज से इस राज दरबार और तेरे घर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ना आना जाना, ना खाना पीना, ना रिश्ता नाता, ना न्योता, ना हकारी, सब बंद करने का ऐलान करता हूँ। युवराज। जी महाराज। आदेश का पालन हो। अरे तो जाओ ना, आपसे रिश्ता और नाता रखना ही कौन चाहता है। ए शकुनिया चल। जी। विराजी महाराज। चाय पी लिया आप लोगों ने? जी महाराज। जाइए। ठीक है। कल शरबत बनाएंगे। जी। जाइए।